दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर अपना पेपल अकाउंट को केवाईसी नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम बदल चुका है और बहुत कुछ बदल चुका है। मैं आपको इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आप कोई भी वीडियो, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनो और ध्यान से देखो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑनलाइन से आप खुद से कुछ काम करते हो, यानी कि आधार की ट्रेनिंग, गूगल एडसेंस, एवरीथिंग, वेल कुछ भी, तो आप कोशिश करें कि रिसेंट यानी लेटेस्ट वीडियो को आप देख करके आप उसके हिसाब से आप फॉलोअप लें तो ये बहुत अच्छा होगा। आप 2-3 साल पहले की वीडियो बिल्कुल ही ना देखें, आप रिसेंट वीडियो को देखें, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डे बाय डे यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इस वीडियो में मैं केवाईसी करके जो दिखा रहा हूँ, जिस सिस्टम से आप YouTube पे जाकर के जो सबसे टॉप लेवल में सर्च करके आप देखोगे, उस वीडियो में देखना बिल्कुल अलग अलग पेज ओपन हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपका PayPal का फुल्ली KYC करके आपको लाइव बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको लैपटॉप के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो। सिर्फ डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करना है और बाकी का प्रोसीजर सेम करना है। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हमारे कोई भी वीडियो को बिल्कुल मिस न कर पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ। लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में ये होम पेज आपका सेम इस तरह से ओपन होगा। और आपको बता दूं कि जो लोग मोबाइल से करना चाहेंगे वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस मोबाइल पे भी होता है, लेकिन सिर्फ अपने उन्होंने अपने स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट करना है। रिक्वेस्ट इसलिए कि आपको अच्छा से एक पेज ओपन होगा, सेम डेस्कटॉप के जैसे पेज ओपन होगा, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप मोबाइल के ऊपर में डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट कर लेना, ताकि इजी आप उस पर भी अच्छा से आपको पेज दिखाई दे। आपको यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह से एक बॉक्स सामने आएगा और यहाँ पे आपको KYC लिखना है और यहाँ पे फिर सर्च कर देना है। फिर नीचे में इस तरह से एक ओपन करके इस तरह से लिख के आएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई KYC बट माई इंडियन कस्टमर आर नॉट एबल टू पे मी ऑन माई वेबसाइट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन फिर आपको एक नीचे आएगा, रिसीव NRI पेमेंट्स ऑन माई वेबसाइट। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखेगा कंप्लीट योर KYC, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर इस तरह से एक सामने एक पेज ओपन होगा, फिर आपको नीचे जाके एग्री एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपको इसको मैं कट कर देता हूँ। फिर इस तरह से आपका एक पेज सामने आएगा। पहला आपको आईडी प्रूफ अपना देना है, दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ, और तीसरा आपका बैंक प्रूफ, और आपको यहाँ पे एक पर्पस कोड सेलेक्ट करना है। ऐड बैंक, तो बैंक ऐड मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो आउट ऑफ कंट्री के हिसाब से आप पेमेंट मंगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ KYC मीन्स जो मैं अभी बतला रहा हूँ, अगर ये नहीं आप करते हो, यानी कि ये 4 अपडेट अगर आप नहीं करते हो, तो आप इंडियन से पेमेंट अपने PayPal पे रिसीव नहीं कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये बैंक ऐड हो चुका है, तो आप आउट ऑफ कंट्री से अपने PayPal अकाउंट में पैसे मंगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले मैं अपना आईडी प्रूफ यहां से सिलेक्ट कर देता हूं। तो आईडी प्रूफ में आपको यहां पे क्लिक करना है। वीडियो को थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पे फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट टाइप लिख के आ रहा है, तो यहां पे आपको आईडी प्रूफ पे यहां पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको पैन कार्ड ही फिलहाल आ रहा है। पहले इससे पहले हम लोग किया था तो बहुत सारे पासपोर्ट, आधार कार्ड आ रहा था, लेकिन फिलहाल अभी पैन कार्ड आ रहा है। तो आपको यहाँ पैन कार्ड पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा ये नीचे जाए तो यहाँ पे अपलोड योर फाइल लिखता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मेरा ये फाइल है, यहाँ पे पैन कार्ड मेरा अपलोड हो रहा है, और ये पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे देखो नीचे में यहाँ पे सबमिट आ रहा है, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये बहुत ईजी है, लेकिन किस तरह से करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान में देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके PayPal अकाउंट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मेरा आईडी प्रूफ था, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे अपना एड्रेस प्रूफ करना है, तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलो मैं पासपोर्ट अपना कर लेता हूँ, तो पासपोर्ट मैं सिलेक्ट किया हूँ। आपके पास वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, GST सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट का कोई भी आईडी प्रूफ है, जैसे पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, अदर्स भी है, तो आप कर लें। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट कर रहा हूँ। तो सेम इसी तरह से अपलोड फाइल यहाँ भी आपको क्लिक करना है, और इस तरह से अपना, जैसे कि मैं अपना पासपोर्ट लिया और ये पासपोर्ट मेरा जो अपलोड हो रहा है अभी, इस तरह से देखिए ये
अपलोड हो चुका है, इसे भी फिर से आपको अगेन सबमिट पे क्लिक करना है और ये सबमिट कर देना है। तो देखिए ये भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये भी यहां पे देखिए एड्रेस प्रूफ भी यहां पे सबमिट हो गया है। आप देख पा रहे हैं यहां पे जो पहला पर्सनल था वो मैंने कर चुका है, मेरा आईडी प्रूफ और मेरा एड्रेस प्रूफ दोनों यहां पे सक्सेस हो चुका है। अब यहां पे बैंक ऑफ प्रूफ है तो यहां पे आपको फिर से सेलेक्ट करना है, और यहां पे मेरे पास कैंसिल चेक, बैंक लेटर, पासबुक और यहां पे बैंक स्टेटमेंट लिखता है, तो मेरे पास कैंसिल चेक है। कैंसिल चेक कैसे बनाना है आप दोस्तों, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख पाएंगे या बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने कैंसिल चेक सेलेक्ट किया है, आपको जो आपके पास है वो आपको कर लेना है। देन आपको फिर इस अपलोड फाइल बॉक्स पे यहां पे क्लिक करना है, और यहां पे एक कैंसिल चेक है मेरा, वो यहां पे मैं कर लेता हूं। तो ये भी अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे ये भी अपलोड हो चुका है। सेम इसी तरह से आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करना है और ये भी सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये भी देखिए यहां पे सबमिट हो चुका है, तो बैंक का जो प्रूफ है वो भी यहां पे सबमिट हो चुका है। अब पर्पस कोड क्या है, अब ये पूछने था पेपाल के, आप इंडियन के हिसाब से ये पूछने जा रहे कि आप ये क्यों कर रहे हो, किसके पर्पस से आप ये क्यों अकाउंट मतलब आप बनाए हो, तो जो भी है तो यहां पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेस यहां पे क्लिक करना है, अगर आप चाहते हो तो यहां पे कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है तो आप अदर भी कर सकते हो। फिलहाल मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे बहुत सारा सिचुएशन के हिसाब से है क्या करना है, तो आप वो करना चाहते हो आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं मैं यहां पे अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे आपको यहां पे क्लिक करना है। मैं जो हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पे ऐसा करता हूं। आप भी अगर यूट्यूब चैनल है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो या कोई भी आप जैसे कि किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हो इस तरह से आप अपने चैनल पे, या आप छोटा सा कोई आपका बिजनेस है जो, तो आप ये अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे क्लिक करना है और ये सिलेक्ट करना है, और फिर यहां पे भी मैं इसको सबमिट कर देता हूं, और ये भी यहां पे थोड़ा देर में ये भी यहां पे हो गया है। आप देख रहे हो यहां पे दोस्तों, आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं। अब देखिए यहां पे सब जो भी था, अब यहां पे एक भी बाकी नहीं है, आपका प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ भी हो गया, बैंक का जो प्रूफ वो भी हो गया, पर्पस कोड भी हो गया, बैंक आपने ऐड पहले किया था वो भी हो गया, और यहां पे आप देख रहे हो यहां पे लिख के भी आ रहा है ओके। ये आपको एक मेल आ जाएगा विद इन, ऐसा आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो से आपको क्या सीख मिला, क्या आपका हुआ नहीं हुआ, कर पाए या नहीं कर पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी राय क्या है। आने वाली अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट वीडियो है तो मुझे प्लीज जरूर बताएं, ताकि हम आपकी उस रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।